में स्वागत है। आज क्लास एट, अभी क्वेश्चन पेपर आया है इंग्लिश का, सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, अभी अभी आया है, तो ये आ सकता है, एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिए। और जो ग्रामर दिए हैं वो आएगा ही आएगा, आप देख लीजिएगा जो ग्रामर दिए हैं, जितना साल मैंने लगभग जितना बार आया है, 3 क्वेश्चन पेपर है तो आया है जितना है, उसमें से आएगा ही आएगा, उसको लिख लीजिए आप, आना ही तो आना ही है। चलिए अब देखते हैं, ये आपका प्रिंसेस सितंबर इस बार इम्पोर्टेंट है, प्रिंसेस सितंबर का पूरा पढ़ लीजिएगा इस बार, तो ये हम नहीं बोल सकते आएगा कि ये नहीं आएगा कि आएगा नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन ग्रामर आएगा, ग्रामर और आपका राइटिंग स्किल वो बतला दे रहे हैं, वो आना ही है। प्रिंसेस सितंबर इस बार आएगा, याद रखिएगा। तो प्रिंसेस सितंबर इतना तो रहेगा नहीं, और ज़रा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो दूसरा स्कूल का है, देख लीजिए, प्रिंसेस सितंबर का पूरा यहाँ से यहाँ पैराग्राफ दिया है, इससे लंबा पैराग्राफ होगा, ठीक है। और ट्रू फॉल्स करना रहेगा, जिस तरह यहाँ पर देखिए, बर्ड वॉच सिंगिंग अबाउट द पैडी फील्ड, तो पैडी फील्ड के बारे में तो नहीं बोलता, वो राजा का कहता है, वहाँ का बगीचा बगीचा के बारे में गाना गाता है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। और प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, यस ये ट्रू है, खुश हो गई थी। सी वॉज वीपिंग अलोंग ऑन डे, हाँ सही है, वो कहता है प्रिंसेस सितंबर एक दिन अकेला रो रही थी, ठीक है। फिर देखिए आंसर देना है आपको, हु वॉज प्रिंसेस सितंबर, इसका आंसर होगा प्रिंसेस सितंबर द डॉटर ऑफ द श्याम, यहीं तक होगा, ठीक है, द डॉटर ऑफ श्याम, यहीं तक होगा। फिर है वेयर डिड द बर्ड हॉप इन, तो हॉप मतलब उछलना, हॉप मतलब क्या होता है, उछलना, तो उछल कहाँ रही थी, तो प्रिंसेस सितंबर के रूम में, तो लिखिएगा द बर्ड हॉप इन प्रिंसेस सितंबर रूम, काउन रूम लिखिए ना, तो यहाँ पर लिखिएगा आउन रूम मत लिखिएगा, इन लगा के बाद प्रिंसेस सितंबर रूम, ठीक है, ये आप खुद से बनाइएगा। आंसर फिर से बता दे रहे, द बर्ड हॉप इन प्रिंसेस सितंबर रूम, एपोस्ट्रोफी एस लगा के, सितंबर के बाद एपोस्ट्रोफी एस रूम। फिर व्हेन डिड प्रिंसेस सितंबर स्टॉप क्राइंग, तो कब वो कहता है प्रिंसेस सितंबर रोना बंद कर दी, तो देखिएगा वो जब गाना सुन लेती है, किसका गाना, आपका बर्ड का, जब बर्ड का गाना सुन लेती है तो रोना बंद कर देती है, ठीक है। तो व्हेन डिड प्रिंसेस सितंबर स्टॉप क्राइंग, तो याद रखिएगा आफ्टर द बर्ड कहाँ गया, द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, देन बिगेन टू सिंग, देन प्रिंसेस सितंबर स्टॉप क्राइंग, ठीक है। फिर देखिए पोयम है, द सी इज ए हंग्री डॉग, तो ये पोयम आपका चैप्टर का तो नाम है द सी, पोयम का नाम है द सी, उसमें से आ सकता है, तो इस बार का आया है तो ये भी आ सकता है शायद, देख लीजिए, द सी इज ए हंग्री डॉग, जाइंट एंग्री, तो इसका आंसर देख लीजिए, द सी इज कंपेयर विथ, तो हंग्री डॉग, द सी इज कंपेयर विथ हंग्री डॉग, यहाँ का लिखिएगा हंग्री डॉग। फिर है द सी डॉग विथ हिज क्लैशिंग टीथ, तो क्लैशिंग टीथ और का था एंड सैगी जॉस, एंड सैगी जॉस, यहाँ लिखिएगा। फिर है द इमेज द फ्रेज बोन्स 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 गिव का बतलाता है, तो ये बतलाता है आपका रंबलिंग टम्बलिंग स्टोन ऑफ सी, यहाँ सिर्फ ऑफ लगा दीजिएगा, सॉरी ऑफ सी, ठीक है, ऑफ सी, यहाँ पर इस लाइन में रंबलिंग टम्बलिंग जो पूरा है स्टोन ऑफ सी, ठीक है। फिर लिखा है हु इज द राइटर ऑफ द दिस पोएम, तो राइटर कौन है देख लीजिए, राइटर है जेम्स रिप्स, और चैप्टर का नाम है द सी, ठीक है, जेम्स रिप्स, याद रखिएगा। फिर है व्हाट डज सैगी मीन, तो सैगी का मतलब क्या होता है देख लीजिए, सैगी का मतलब होता है लॉन्ग एंड मेसी, लॉन्ग एंड मेसी, इसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा उसको। और ग्रामर में देख लीजिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द ग्रुप ऑफ द वर्ड दैट डू द वर्क ऑफ ए एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव का मतलब भी जानते हैं, जैसे फैट लॉन्ग ये सब के बोलते हैं एडजेक्टिव, तो यहाँ पर देखिए यू हैव ए ब्यूटिफुल केज, एक सुंदर सा कल द पिंजरा है मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड से बना है, जो मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड से बना है तो याद रखिएगा गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड, ये आपका एडजेक्टिव पूरा काम करता है, ठीक है। फिर है मेड ऑफ गोल्ड, जो है मेड ऑफ गोल्ड वो पूरा एडजेक्टिव है। और फिर है इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड
डेट डू एट द वर्ड ऑफ एज ए नाउन, नाउन के रूप में जो काम करता है. आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई, तो आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई, तो गुड फ्लाई जो है ये आपका नाउन है, ठीक है, नाउन का जैसा काम कर रहा है. फिर दिए तीन नंबर दिया है, आई नो ए मैन हु इज ए डॉक्टर, तो मेन क्लाउज इसमें लिखना है और डिपेंडेंट क्लाउज इसमें लिखना है. तो जहाँ डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से या डैट से, तो वो जो वर्ड है यहाँ पर आ जाएगा. तो हु से इज ए डॉक्टर, तो हु इज ए डॉक्टर यहाँ पर आएगा, और आई नो ए मैन, तो आई नो ए मैन यहाँ रहेगा, तो लिख लीजिएगा. फिर सेंटेंस बनाना है आपको, तो सेंटेंस आपका बुकिस दिया, जाइंट, जाइंट मीन्स बड़ा, बहुत भयंकर राक्षस बोल सकते हैं, सी मीन्स समुद्र. और फिर राइट ए लेटर अबाउट 80 वर्ड टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू बी काइंड टू एनिमल, ये आएगा ही आएगा, आप ये करके जाइए. अगर नहीं आए तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, ये आना ही है, इसको आप कर लीजिए, पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका, पूरा लगभग 8 नंबर का 8 नंबर आ ही जाएगा, इसको कर लीजिएगा. और इसको और में एक लिखा रहेगा, और में आपको लिखा रहेगा एक स्टोरी राइटिंग, ये रहेगा नहीं तो स्टोरी राइटिंग रहेगा, नहीं ये पक्का आएगा, इसको आना ही है. क्यों? क्योंकि हर बार निकलता है, इस साल का जितना भी थिंग पेपर हम बोल रहे हैं उसमें हर बार में यही फंसा है, तो इस बार भी आने का 100% चांस है, सो कर लीजिए, भूलिएगा मत. अब चलिए ग्रामर देखते हैं, जितना भी 3 साल का ग्रामर है वो एक जगह रखे हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट है, तो कर लीजिएगा. देखिए ग्रामर, देखिए क्लास 8 का है, जितना मैंने इस साल का जितना आया है ग्रामर एक जगह रख लिए हैं, इसको सिर्फ एक बार कर लीजिए, आपको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये कर लीजिए आप. और इतना मेहनत करें तो कृपया करके आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कि इस बार आने वाला चांस है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और एग्जाम के बाद हमको बताइएगा कि आया कि नहीं. वन नंबर देखिए, टू लाई इज ए सीन, अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है जो वर्ड टू से शुरू हो, टी ओ टू से शुरू हो, देखिए टी ओ टू से शुरू होता है, तो उसको ही बोलते हैं इन्फिनिटिव. तो टू से एक वर्ड, देखिए हो जाएगा टू लाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव. और दिया है इन्फिनिटिव पार्ट, राइट डाउन इन्फिनिटिव पार्ट, तो मूल तो टू से शुरू होगा, टू इन फाइंड फॉल्ट इज इजी, तो क्या आंसर होगा, टू फाइंड, टू फाइंड, ठीक है. तीन नंबर है, अंडरलाइन करके लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर टू फाइंड, ठीक है. फिर द इट्स रेनिंग एट दिस मोमेंट, तो प्रेज में आपको अंडरलाइन द प्रेज, प्रेज का मतलब होता है एट से शुरू होता है, एट दिस मोमेंट कब हो रहा है, मैं देख सब हो सकते हैं एट दिस मोमेंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एट दिस मोमेंट, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा. फिर है द स्टैचू सेड टू द सोलो, सोलो टेक ऑल द गोल्ड फ्रॉम माई बॉडी टर्न इन डाइड स्पीच, नरेशन इसको बोलते हैं, ये दोनों में से एक आएगा, ये दोनों में से एक आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसको कर लीजिए आप. तो द स्टैचू सेड टू सोलो, तो देख लीजिए स्टैचू तो स्टैचू रहेगा ही, द स्टैचू रहा, ठीक है. सेड का देखिए, सेड का हो जाएगा सेड टू, यहाँ हो जाएगा टोल्ड, सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है. फिर डेट लग जाएगा, सेट टू हो जाएगा टोल्ड, फिर मी हट जाएगा डेट लग, सॉरी यहाँ मी हट जाएगा डेट लग जाएगा. फिर द सोलो, तो द सोलो लिख दिए. फिर यहाँ से देखिए टेक ऑल द गोल्ड फ्रॉम, सिर्फ माई हट जाएगा, ठीक है. देखिए द टेक ऑल द गोल्ड फ्रॉम माई की जगह हिज हो जाएगा, हिज बॉडी, ये याद कर लीजिए आप, डट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए आप. फाइव नंबर, मदर सेड टू मी डू नॉट रन इन द सन, तो चेंज इन द मॉडर्न सॉरी मोड ऑफ नरेशन, तो ये नरेशन ही है, वही है, तो आपका दोनों में से एक आएगा, हम बोले हैं, देख लीजिए. माई मदर आस्क मी नॉट टू रन इन द सन, तो आस हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर टोल्ड हुआ था, लेकिन यहाँ पर मदर आस्क टू मी, आस्क मी, तो मी हट जाए, आस्क मी हो जाएगा, आस्क सेड टू का आस्क हो जाएगा, और मी का इसमें मी रहेगा, लिख देंगे नॉट टू रन इन द सन, और डू हटा के नॉट टू रन इन द सन, इजी है, इसको याद कर लीजिएगा. फिर 6 नंबर, 7 नंबर और 8 और 9, ये जो है ये 7 और 8 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसको हटा देते हैं. ये तीन जो है 1 2 3, ये तीन वॉइस में कोई एक आएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा, तीन वॉइस में कोई एक आना ही है, इसको छोड़ के कि दोनों एक ही है, ये तीन वॉइस में एक आना है, तो एक बार देख लीजिए. द पोर्टर ओपन द गेट, चेंज इन टू वॉइस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द गेट वाज ओपन बाय द पोर्टर, क्यों गेट वाज होगा, याद रखिएगा गेट वाज, क्यों कि उसमें वी टू है, ये वी टू है, इसलिए गेट वाज होगा. अगर आप इंग्लिश का कोई चैप्टर चाहते हैं, इंग्लिश वॉइस में आपको पूरा समझाना है, नहीं समझे हैं, तो हमको कमेंट करिए कि शुरू से वॉइस करा देंगे एग्जाम के बाद, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द गेट वाज ओपन बाय द पोर्टर, याद रखिएगा. दूसरा है
इंग्लैंड वाज रूल बाय ए किंग, तो ये पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आपको करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए किंग रूल इंग्लैंड, ए किंग रूल इंग्लैंड, ऐसा रखिएगा। अब सेम क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी सेम होगा। हियर वी शैल हैव डिस्कस द टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो तीन ठो में करना ही है, वी शैल हैव डिस्कस द टॉपिक, तो इसका आंसर हो जाएगा द टॉपिक विल हैव बीन डिस्कस बाई अस, द टॉपिक विल सेल का हो जाएगा या विल, ठीक है, विल हैव और बीन लग जाएगा, बीन डिस्कस बाई अस टेंस, ठीक है। अब वॉइस में क्या होता है, वॉइस में क्या होता है, पीछे का आगे लग जाता है, ठीक है, और ए बाद में लग जाता है जहाँ बाई लगा के, लेकिन यहाँ बाई है तो यहाँ पर ये आगे आ जाएगा और बाई हट जाएगा, ठीक है, तो इसका भी याद रखिएगा। फिर है दिस नाइट प्रोमिस डैट दे वुड हेल्प टू हेल्पलेस, सब ऑर्डिनेट क्लाउज आपको बतलाना था, सब ऑर्डिनेट हम बताए थे मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू या डैट से शुरू, तो डैट यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से पूरा एकदम लाइन तक अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, आंसर भी लिखे हैं इस तरह लिख दीजिएगा डैट डे वुड हेल्प टू हेल्पलेस सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा अब देखिए दिस हाउ इज मेड डैश कंक्रीट, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका प्रीपोजिशन का इस तरह एक आ सकता है क्योंकि 2023 का कोई एक तो विद्यासागर स्कूल का है ये आया है, तो देख लीजिए प्रीपोजिशन आपको बताना है, मेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये याद कर लीजिए मेड के साथ हमेशा क्या लगता है ऑफ, तो यहाँ का होगा आंसर ऑफ, यहाँ जो आंसर होगा इसका होगा आंसर ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ कॉन्क्रीट। फिर देखिए वी शुड नॉट डैश करेज है एनी वन, तो करेज का होगा करना है सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसके लास्ट में ओ यू एस जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा ओ यू एस करेजियस, ठीक है, ओ यू एस ये सिर्फ जुड़ जाएगा, वो लिख के सी ओ यू एस लगा दीजिएगा। फिर है इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, मॉडल में रूप में लिखना है, मॉडल वर्ब में के रूप में लिखना है, री राइट, तो देखिए इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, इसका आंसर हो जाएगा यू शुड हेल्प द पुअर एज इट इज आवर ड्यूटी, एज लगा के इट इज आवर ड्यूटी, यू शुड हेल्प द पुअर एट इज आवर ड्यूटी, ठीक है, फुल स्टॉप, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर 14 नंबर है, लास्ट है इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, तो सिंस जहाँ आ जाएगा फॉर आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा हैज या हैव लगाना ही है आपको, फिर उन्हें प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो देख लीजिए इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज बीन रेनिंग, इट है इसलिए हैज, और यहाँ कुछ और कुछ रहता यू तो यहाँ हैव लगता, तो हैज बीन रेनिंग, ये याद कर लीजिएगा, ये आपका आने वाला है, यहाँ से आपको पांच तो कोई देगा, पांच नंबर का रहता है, पांच नंबर का रहेगा, पांच नंबर आपको याद, ये आपका 14 ठो दिए हैं, इसमें कोई पांच ठो आना ही है, आप लिख लीजिए, और जो लेटर है वो पक्का आना है, लेटर कर लीजिएगा, लेटर आपका पूरा नंबर उठा सकता है, और आपका सीन अनसीन वो आपका कर ही सकते हैं आप, सीन अनसीन में जिससे बता दिए हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर का कहीं से भी आ सकता है, ये दूसरा स्कूल का है तो वो आ सकता है, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को इस बार पढ़ के जाइएगा, और द सी भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है, और एक पोएम है उसको भी पढ़ के जाइए, ठीक है, और ये जितना भी है ग्रामर पोर्शन इसको आप खुद से करिए, ठीक है, और 10 बार बोल रहे हैं कि आप लेटर करके जाइएगा, लेटर को छोड़िएगा मत, जो एडवाइस दे रहा है अपना भाई को कि दो जंतुओं के प्रति आपको काइंड होना चाहिए, लेटर करके जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, धन्यवाद।